औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलकायम बार्ड हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फरत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। प्यारे शायकीन हज़रात, मैंने आपको इससे कबल गर्म मिजाज तितर की खुराक जो मौसम बहार में दी जाती है और उसका पानी भी बताया था। आज मुतदिल मिजाज और सर्द मिजाज तितर, जो ठंडे मिजाज के तितर होते हैं, उनकी खुराक जो है मौसम बहार की, ये जो तकरीबन फरवरी और मार्च के 31 मार्च तक दी जाती है, तो आज ये खुराक जो है ये मुतदिल और ठंडे मिजाज के लिए है। इस खुराक के अज्जा जो है वो आप नोट कर लें। आज की वीडियो नंबर है 116 और बुध का दिन है 21 फरवरी 2024 है। तो अज्जा इसके आप नोट कर लें। नंबर एक है गिरी बादाम, बादाम की गिरी है 2 अदद। पिस्ता ईरानी है आधा दाना। मगज़ कद्दू 4 अदद, मगज़ खरबूजा 4 अदद, मगज़ तरबूज 2 अदद, बुना हुआ काला चना बगैर नमक के 4 अदद, ज़ोफरान 1 तीला इसमें होगा, लौंग का सिरा 1 तीला, लौंग का सर जो होता है आगे फूल होता है लौंग का वो 1 अदद, मोटी इलायची काली इलायची के 2 बीज। ये चीज़ें आपने यानी कि ज़ोफरान का जो 1 तीला है वो, मोटी इलायची के 2 बीज और लौंग, ये आपने पानी में नहीं भिगोने। जो पानी में भिगोने हैं वो है बादाम है, बादाम है, पिस्ता, मगज़ कद्दू, मगज़ खरबूजा, मगज़ तरबूज, ये आपने भिगोने हैं। बाकी चना लौंग का सिरा या फूल है और ज़ोफरान और मोटी इलायची के बीज, ये आपने नहीं भिगोने। बाकी उन चीज़ों को भिगो के तर कर लें। बादाम और पिस्ते का छिलका उतार के पानी में पानी उनका खुश्क कर लें और उनको अच्छी तरह कूट रगड़ के उसमें ज़ोफरान, लौंग और मोटी इलायची के बीज हैं, ये सारी चीज़ें आपने कूट के गोलियां बना लेनी हैं और उनमें आपने मनक्का का, मनक्का जो है इसमें 1/4 हिस्सा डलेगा, ये मनक्का का पूरा नहीं डालना, 1/4 हिस्सा डालना है। और जब ये आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली तो इसमें आपने 1/4 हिस्सा चांदी का वर्क डाल के सारी खुराक को मिक्स कर लें। जब पहली गोली दें तो उसमें आपने कुश्ता जुआर मोरा, ये बासमती चावल का जो होता है ना, बासमती चावल होता है, उससे आधा जो है ना आपने देना है। और उसके बाद इसमें दुआल मिश्क है, दुआल मिश्क ये आपने गंदम के दाने के बराबर देनी है। तो इसमें मरबा आंवला जो है, मरबा आंवला जाएगा आधी डली, यानी खुराक आप जो है वो आप एक दफ़ा खुराक फिर सुन लें। गिरी बादाम है 2 अदद, पिस्ता ईरानी आधा दाना, मगज़ कद्दू 4 अदद, मगज़ तरबूज 4 अदद, मगज़ खरबूजा 2 अदद, बुना हुआ काला चना 4 अदद, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ज़ोफरान है 1 तीला, 1 बाल ज़ोफरान का, मोटी इलायची के 2 बीज हैं और लौंग का फूल 1 अदद और मनक्का 1/4 हिस्सा। ये सारी चीज़ें आपने जिन चीज़ों को भिगोना उनको भिगो के उनका पानी खुश्क करके रगड़ कूट के ये सारी चीज़ें शामिल करें। उसमें आपने कुश्ता ज्वार मोरा पहली गोली में आपने चने ज्वार मोरा जो है बासमती चावल का आधा हिस्सा जो है, और दुआल मिश्क जो है वो गंदम के दाने के बराबर डाली है, मरबा आंवला जो है वो आधी डली, ये सारी चीज़ें कूट काट के इसमें आपने चांदी का वर्क आधा लगाना है। ये आप दिन को देना चाहें तो दिन को दे सकते हैं, रात को देना चाहें तो
रात को दे सकते हैं। तो ये खुराक जो है आपकी तकरीबन आज से 31 मार्च के दरमियान होगी। इस खुराक के साथ जो पानी होगा वो आपको मैं इंशाल्लाह जो है वो कल तक वो पानी भी बता दूंगा। पहले आप इस खुराक के अज़ा को तैयार कर लें और ये खुराक शुरू कर दें। जो सर्दी की खुराक दे रहे थे, जो भी उसके साथ जो चीज़ें आप शामिल कर रहे थे, वो बाजरा वगैरह वो सारी चीज़ें गर्मी सर्दी वाली ख़त्म करनी है और ये ताज़ा खुराक देनी है। खुराक देने से पहले आपको मैंने पानी बताया, वह उम्मीद है कि आपने अपने तित्तर को साफ कर लिया होगा। 2-3 दिन आप सादा रख के ये खुराक आप शुरू कर दें। उसके बाद 31 मार्च के बाद आपको जो है दोबारा इंशाल्लाह नई खुराक जो गर्मी की होगी वो आपको बताया जाएगा, और साथ साथ हर महीने का पानी भी आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। शौक़ ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।